हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये जो आप प्लांट देख रहे हो, ये काफ़ी सूख चुके हैं, जिनको अब ठीक करना है, क्योंकि कहीं जाने के कारण ये चीज़ें हुई है जो दोबारा से इनको देखना है। और ये आप देख रहे हो, जो बिल्डिंग है हमारी, बिल्डिंग एरिया है ये जो आप सब देख रहे हो वीडियो में, और दिख रहा होगा सब, ये सब पूरा का पूरा बिल्डिंग एरिया है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये मेरा डे का रूटीन स्टार्ट होएगा। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने हस्बैंड को टिफ़िन पैक करके दे दिया है, और अब मेरा खुद का रूटीन स्टार्ट होगा। और अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। जैसे न्यूज़पेपर आता है वैसे अपने लिए मैं एक कप चाय बनाऊंगी, चाय के साथ अपना न्यूज़पेपर एंजॉय करूँगी, और उसके बाद अपना वही डेली रूटीन का कार्य है। देखो, न्यूज़पेपर की आवाज़ भी अभी भी आई है, तो न्यूज़पेपर आ गया है। और उसके बाद फिर मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दूँगी, उसके बाद एक अच्छा सा लंच प्रिपेयर करते हैं, और आपसे मिलते हैं लंच के टाइम। और देखती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम बच्चों को करते टाइम थोड़ा सा शूट करूँगी, पर लंच टाइम आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अपना न्यूज़पेपर और एक कप चाय। हेलो फ्रेंड्स, ओ ये देखिए मेरी चाय रेडी है, आप भी पी लीजिए। और रस ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ सुबह के टाइम। और ये मेरा न्यूज़पेपर जो मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है, जिससे कि बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और ये पेपर ना आए तो मुझे अधूरा अधूरा लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे कॉल आई कि भाई की कॉल आई, वो आने वाला है, और सडन मुझे चाय छोड़नी पड़ी कि चलो उसके साथ वापस से चाय पिए जाएगी। तो अभी वो कुछ मिनटों में आने वाला है, इसलिए मुझे बाहर बाहर से अभी कॉल करी है। देखो, ये मेरा छोटा भाई है जो अभी अभी नोएडा से आया है, और इसके साथ में वापस से चाय इंजॉय कर रही हूँ। चाय पीना मुझे पसंद है, मैं सुबह ले लेती हूँ। तो अब हम लोग गपशप कर रहे हैं हम तीनों लोगों की, और ये जो बैठी है ये मेरी बेटी है, और अब ये मेरा डस्टिंग का काम स्टार्ट हो गया है। उसको मैंने बाहर बैठा दिया, वो अपना टीवी वगैरह देख रहा है, तब तक मैं अपने इस रूम की सफाई कर लूँगी, बेडशीट वगैरह और ये सब बुक्स जो भी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही थी तो उसका कुछ पड़ा हुआ है, तो उस सबको मैं ठीक करके रखूँगी। बस वही सब, अपना बेडशीट वगैरह और झाड़ना वाड़ना, बेड को थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाती है उसके आसपास से सब साफ़ करना, वही सब चल रहा है। ये बस बेडशीट ठीक कर रही हूँ, मैं डेली मरा का काम है, सब लोग करते हैं। बस फटाफट मेरा काम होगा, और उसको जल्दी जाना भी है, वो मुझसे कुछ डिस्कस करने के लिए आया था, तो फटाफट मैं उसको जाके ब्रेकफास्ट दूंगी कि वो खाए और जल्दी से निकले, क्योंकि उसको जल्दी है ऑफिस निकलने की। ना ना सॉरी, आज संडे है तो उसको कुछ काम था, और ये मैंने उसको आज ब्रेकफास्ट में दिया है, मसाला भिंडी, और उसको जल्दी थी तो वो निकल रहा है, उसने अपना नाश्ता फिनिश करा तो वो निकल रहा है। उसके बाद मैं अपना हॉल की सफाई स्टार्ट करूँगी। अब ये उसको कुछ मैंने गुजिया बनाई थी जो मैं उसको दे रही हूँ।
बाकी बस उसको बाय करके और मेरा अब होल का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने रूम साफ़ कर लिया है और मेरा बाकी अभी ये होल बचा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, बस हल्का फुल्का सा है, बाकी तो सब ठीक ठाक ही है। बाकी टेबल वगैरह क्लियर करनी होती है डेली बेसिस के, तो वही सब होगा। और ये मैं सुबह के टाइम सब्जी वाले भैया जो आते हैं उनसे वेजिटेबल्स ली थी, तो वही सब देख रही हूँ। बाकी इनको मुझे निकाल कर फ्रिज में रखना है। अब जल्दी जल्दी से मैं इस काम को फिनिश करूँगी। चेयर्स, डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे धूल हो जाती है डेली बेसिस की, सफाई करो तो भी धूल आ जाती है हल्की हल्की, तो वही सब डस्टिंग हो रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना खुद का गाना गुनगुना रही हूँ काम करते करते, जो मैं रोज़ करती हूँ। और अब ये सेंटर टेबल जिसको साफ़ कर रहे हैं, काफ़ी गंदी हो जाती है क्योंकि हम लोग सब वहीं पे बैठ के टीवी वगैरह देखते हैं, वहीं चाय वगैरह पीते हैं, तो उसके निशान वगैरह पड़ जाते हैं काफ़ी। वही मेरा टेबल वगैरह क्लीन करते करने के बाद और मेरी बेटी को भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको मैंने आलू पूड़ी दी है जो मेरी फ्रेंड नेहा की फेवरेट रेसिपी है और जो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो आज मैंने उसको वही बना के दी और उसके साथ थोड़ा सा मैं भी उसको इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इतना करने के बाद मुझे भी भूख लग गई, क्योंकि सुबह के टाइम चाय के साथ कुछ लेते तो नहीं है, तो उस टाइम आकर भूख लगती ही लगती है। और बस हम दोनों मम्मी बेटी डिस्कस कर रहे हैं आपस में कुछ बातें, और मैं पूछ रही थी नेहा की रेसिपी कैसी लगी, तो उसको उसने कहा कि आलू बहुत अच्छी बनी है, सिंपल आलू बनाती है वो तो बहुत अच्छी बनती है, तो मैं उसको बना के कभी कभी खिला देती हूँ। और इतने शौक से मैं मसाला भिंडी बनाई थी, पर इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है भिंडी। अब इसको जो है लंच में इसको पनीर बहुत पसंद है, तो वो ही मैं आज दोपहर को जो भी है लंच में वही मैं इसको बना के दूंगी। और बीच में अचानक से मुझे पानी का हुआ कि वो मेरे लिए गिलास पानी लेके आई है, मैं भूल गई थी पानी लेके आना। और ये जो है हमारा बेडरूम है जिसमें ये पढ़ाई कर रही थी, तो इस कारण मुझे इसमें बैठकर इसके साथ एंजॉय कर रही हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा साइड से आवाज़ आ रही होगी, वो डिस्टरबेंस है, वो बाहर का हल्का फुल्का, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना। और ये मैं अब किचन में आ गई हूँ अपनी पनीर की रेसिपी शेयर करने के लिए। एक सिंपल सा मसाला है ये, प्याज और टमाटर का पहले तेल में हल्का सा साबुत मसाला और जीरा डाला, और उसके बाद फिर ये टमाटर प्याज का सिंपल मसाला डाल दिया, उसको अच्छे से भूनेंगे थोड़ा नमक के साथ, तो जल्दी से ये भून जाए, बहुत स्पीड से सब्ज़ी बन जाती है। और ये मैं तब बनाती हूँ जब मैं थोड़ा सा बिज़ी होती हूँ। ये मैंने नमक डाल दिया और ये जल्दी जल्दी
मसाला भुन जाएगा। अच्छी लगती है कभी कभी स्पीड से बनी हुई। और ये हल्दी, मिर्च, बेसिक मसाले, धनिया, बस उसको मिलाते जाना है। और ये डाला हमने हल्का सा गरम मसाला, और ये डाला हमने शाही पनीर मसाला, बस थोड़ा सा पानी कि मसाला जले ना। और हल्की सी अगर आपके घर में अमूल क्रीम हो या मलाई हो घर की, तो आप थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच आप उसको ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा ग्रेवी की जो है ना, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, टेस्टी दिखेगी, लगती भी वो टेस्टी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसमें कोई जाम नहीं है, आप तैयार करके कभी भी फट से खा सकते हो उसको। और ये बस हो गया, मसाला भुन गया, पनीर के पीसेज इसमें ऐड कर दिए और मिक्स करें हल्का सा। और आप ग्रेवी को अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा या थोड़ा सा हल्का सा, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं हल्का, अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग पसंद हो। इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी और ऐड करूँगी। बस इतना काफ़ी है। और इसको हम 5 से 6 मिनट तक, बस मिनिमम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, और लास्ट में आप कसूरी मेथी इसको लास्ट में डालेंगे और आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। आप इसको घर पे ज़रूर बनाना, ये बहुत टेस्टी लगती है पूड़ी पराठे चावल के साथ। और ये मेरी थाली रेडी हो गई है, इसमें पनीर और जो मैंने सुबह भरवा भिंडी बनाई थी, मसाला भिंडी, और साथ में है दाल चावल। और दाल चावल जो मेरी बेटी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस कारण मैंने दाल चावल भी बनाया है, सिंपल दाल चावल है। और हेलो फ्रेंड्स, और अब मेरा दिन भर का काम ख़त्म हुआ है और मैं अब थोड़ा फ्री हुई हूँ। अपने बाल भी कलर कर लिए हैं, अच्छे से फ्रेश फ्रेश हो गए, लंच बच्चों को दे दिया है। बस यही पूरे दिन का शेड्यूल जो भी था, मैंने व्लॉग के थ्रू आपके पास जाएगा। आप उस पर अपने कमेंट्स, अपने रिव्यू देना, अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। और बाकी कल हम देखते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ ज़रूरी काम है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर बताएंगे कि हम लोग कहाँ गए और हमने क्या किया, किस काम से हम लोग गए थे, वो आपके साथ हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो भी रहा, आई होप आपको पसंद आए। तो चलिए, ठीक है, ओके, बाय।